प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की कुछ सीमाओं के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वस्तु में कोई ना कोई विशेषता होने के साथ उसमें कुछ ना कुछ कमी या फिर उसकी कुछ सीमाएँ होती हैं। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएँ हैं जो हम इस लेक्चर में समझेंगे। कंप्यूटर की सीमाएं। नंबर एक, मानव पर निर्भर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कार्य करने के लिए मानव पर निर्भर होता है, अर्थात जब तक यूज़र द्वारा कंप्यूटर को नहीं चलाया जाएगा, इसमें कोई कमांड या निर्देश नहीं दिए जाएंगे, तब तक यह कार्य नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर चाहे कितना भी कार्यकुशल क्यों ना हो, पर यह मानव के निर्देश के बिना काम कर ही नहीं सकता। नंबर दो, बिजली की आवश्यकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह यह बिना बिजली के कार्य नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। इसलिए दोस्तों, जब तक कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी, यह काम कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे बिजली से जोड़ना होता है, तभी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं और इस पर कार्य कर सकते हैं। नंबर तीन, डेटा चोरी का खतरा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर इसे सुरक्षित ना रखें, तो कंप्यूटर में उपलब्ध हमारा डेटा चोरी हो सकता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर नहीं रखते हैं, तो कोई भी अवांछित व्यक्ति आपका कंप्यूटर चलाकर उसमें उपलब्ध आपका ज़रूरी डाटा चोरी कर सकता है या फिर आवश्यक फाइल डिलीट भी कर सकता है। नंबर चार, महंगा उपकरण। कंप्यूटर सिस्टम कई सारे उपकरणों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर आदि के समूह से मिलकर बनता है और इन सब उपकरणों के आपस में तालमेल से ही कार्य करता है। क्योंकि कंप्यूटर इतने सारे उपकरणों का एक समूह है, इसलिए कंप्यूटर को खरीदना थोड़ा सा महंगा होता है। नंबर पाँच, स्वास्थ्य पर प्रभाव। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें कई घंटों तक बैठना पड़ता है, इसलिए यदि आप कंप्यूटर पर कार्य करते समय सही तरीके से नहीं बैठते हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर से उचित दूरी पर और कमर सीधी करके बैठें और कंप्यूटर स्क्रीन की ऊंचाई इतनी हो कि आपको अपनी गर्दन ज़्यादा न झुकानी पड़े। इस तरह आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठकर कार्य कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।